वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सेलिंग फैन रिवाइंडिंग करना सीखेंगे, कैसे कॉइल लगाया जाता है। ये हमारा 12+12 स्लॉट का फ़ैन है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग इस पीवीसी को 12 स्लॉट में लगा लेंगे, ऐसे करके सभी में, स्टार्टर में सभी में लगा लेंगे 12x12 स्लॉट में, ऐसे करके लगा लेंगे एडजस्टेबल से। देखिए, कुछ इस तरह करके लगा लेना है। हम पूरा 12 स्लॉट में लगा लिए हैं। उसके बाद अब हम लोग वाइंडिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिस कॉपर वायर से हम लोग वाइंडिंग करेंगे, उसका साइज 36 नंबर का रहेगा, यानी 36 नंबर का वायर से हम लोग रिवाइंडिंग करेंगे। स्टार्टर में हम लोग हर एक स्लॉट में 360 बार वाइंडिंग करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए, सीलिंग फैन को कुछ इस तरह से लगा लेना है ताकि वाइंडिंग करते समय हमारा इधर उधर ना हो। देखिए, शुरू बार से हम लोग करते हैं। तो ये हमारा लीड है, लीड को इस तरह से हम लोग करेंगे। शुरू बार में हम लोग एंटी क्लॉक वाइंडिंग करेंगे, जैसे घड़ी का कांटा घूमता है उस तरह से हम लोग ये वाइंडिंग करेंगे और घुमाएंगे उसको। तो अभी हम दिखाते हैं इस वीडियो को। शुरू बार में लीड हम लोग इस तरह से मोड़ लेंगे ताकि हमारा जो शुरू में लीड निकले वो अच्छा से थोड़ा मजबूत निकले। देखिए, स्लॉट में ऐसा लीड घुसाना है और निकाल देना है जो हमारा लीड निकलेगा, जो कनेक्शन होगा उसके लिए थोड़ा निकाल देना है अपने हिसाब से। और लीड को निकाल के इस तरह से बांध दीजिए, इससे लीड हमारा खिंचाएगा नहीं। सबसे पहले हम लोग एंटी क्लॉक वाइंडिंग करेंगे। देखिए, इस तरह से हर एक स्लॉट में हम लोग को इसी तरह से करके 360 बार वाइंडिंग करना है हर एक स्लॉट में। देखिए, तो जल्दी से हम कर लेते हैं। तो देखिए, अभी हम 100 टर्न्स कर चुके हैं, अभी 360 टर्न करना है। अभी इस स्लॉट में हमारा 360 टर्न पूरा हो चुका है। देखिए, इसी तरह करके हमारे पूरे स्लॉट में करना है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आए अच्छा से। अभी जो हम लोग वाइंडिंग कर रहे थे, ये एंटी क्लॉक वाइंडिंग कर रहे थे। अब जब हम वाइंडिंग दूसरे स्लॉट में करेंगे तो जस्ट एंटी क्लॉक वाइंडिंग के उल्टा करेंगे। देखिए, हम लोग अभी ऐसे घुमाएंगे, देखिए दूसरे स्लॉट में जाके ऐसे घुमाएंगे। अभी इसी तरह से एक उल्टा वाइंडिंग करना है, एक सीधा करना है। देखिए, अभी हम पहले वाला से उल्टा कर रहे हैं, उसके बाद जब हम पहले वाला किए हैं उसके हिसाब से करेंगे। इसी तरह से करके एक उल्टा एक सीधा करके पूरा स्लॉट में हम लोग को वाइंडिंग करना है। इसमें हो जाने के बाद फिर देखिए, जिस तरह से हम लोग पहले वाला वाइंडिंग किए थे वैसे ही सेम इसमें करना है। तो चलिए, हम जल्दी से वाइंडिंग कर लेते हैं पूरे स्लॉट में। याद रखना है कि हम लोग को एक स्लॉट में 350 बार करना है। हो गया मेरा हर एक स्लॉट में 360 बार वाइंडिंग करना। तो देखिए, अब जब लास्ट में हम लोग वाइंडिंग करेंगे, देखिए फर्स्ट और लास्ट वाला जो वाइंडिंग कर रहे हैं उसके बीच थोड़ा सा कुछ पेपर डाल दीजिएगा ताकि हमारा जो ये सटे नहीं। सटेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, वायर के ऊपर इंसुलेशन होता है। इसमें भी 360 बार कर लेना है। अब देखिए, हमारा स्टार्टर में हर एक स्लॉट में वाइंडिंग करना हो गया। देखिए, एक हमारा ये लीड निकला है, एक ये हमारा लीड निकला और एक ये निकला है। ये तो वाइंडिंग करना अभी हमारा स्टार्टर में हुआ है, अभी रनर में बाकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमारा स्टार्टर में वाइंडिंग किया हुआ है। देखिए, अभी हम लोग किए हैं इसी तरह। अब हम लोग रनर में वाइंडिंग करेंगे। स्टार्टर में हम लोग 360 बार वाइंडिंग किए थे, तार लपेटे थे। अब हम लोग को 370 बार लपेटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को लगाना है वाइंडिंग पेपर। देखिए, इस तरह है वाइंडिंग पेपर हमारा, हर एक स्लॉट में लगा लेना है। देखिए, इस तरह करके, देखिए थोड़ा अंदर घुसा, मोड़ मोड़ के उसको अंदर में घुसा दीजिएगा, ऐसे करके हर एक स्लॉट में लगा लेना है ऐसे करके। स्टार्टर में हम लोग हर एक स्लॉट में 360 बार वाइंडिंग किए थे, तो अब रनर स्लॉट में इसमें 370 बार वाइंडिंग करना है, 10 बढ़ा के एक्स्ट्रा। अच्छा, तो अभी दिखाते हैं हम किस तरह करना है। आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो जल्दी से लाइक कमेंट शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब इसमें हम लोग हर एक स्लॉट में 370 बार वाइंडिंग करेंगे।
इससे 10 बढ़ा के। शुरू बार में देखिए हम लोग जब वाइंडिंग किए थे तो उस तरह पहले लीड निकाले थे, वाइंडिंग करने से पहले उस तरह हम लोग को लीड निकाल के देखिए इस तरह वाइंडिंग कर लेना है। इसमें पूरा 370 टर्न्स रहेंगे, तो चलिए हम जल्दी से कर लेते हैं 370 टर्न्स। देखिए पहला स्लोट में हमारा 370 टर्न्स हो गया है। अब हम लोग को देखिए शुरू बार में हम लोग एंटी क्लॉक वाइंडिंग किए थे तो जस्ट इसके उल्टा वाइंडिंग करना, देखिए इस तरह से घुमाना है। देखिए शुरू बार में हम लोग उधर से घुमा रहे थे तो जस्ट इसके उल्टा घुमाना है, इस तरह से घुमाते घुमाते इसमें भी 370 टर्न्स कर लेना है। तो चलिए हम जल्दी से कर लेते हैं। अगर पेपर इस तरह से बीच में कहीं छोटा पड़ जाए तो टेप से इस तरह करके चिपका लेना है, दोनों तरफ से टेप चिपका लेना और कैंची से इस तरह करके काट देना है। और तो जल्दी से अब हम लोग हर एक टर्न्स में 370 बार वाइंडिंग कर लेते हैं। चलिए तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा स्टार्टर में भी और रनर में भी वाइंडिंग हो चुका है। देखिए स्टार्टिंग वाला एक वो लीड है और एक इधर से लीड है देखिए, और ये हमारा रनर वाला भी लीड है देखिए, एक ये है। अब इसके बाद हम लोग को बार्निश करना होगा। बार्निश करने से पहले देखिए जो पेपर निकला हमारा गोल गोल सा, ऐसे यहाँ बीच बीच में कैंची घुसा कर ऐसे काट दीजिएगा। देखिए ऐसे अभी दिखाते हैं आपको कैंची कैसे घुसाना है। अभी देखिए ये हमारा कैंची है, बड़ा वाला कैंची, ऐसे करके घुसा के काट देना चाहिए। कैंची में धार नहीं है, तेज नहीं है, इसलिए हमारा ये कट नहीं रहा है। इसके बाद हम लोग बार्निश करके धूप में 2-4 घंटा सुखा देंगे। उसके बाद हम लोग 2-4 घंटा के बाद फिर आगे सीरीज करेंगे, तार उर जोड़ेंगे, कॉयल वायल जोड़ेंगे। अगर आप सीरीज करना सीखना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।